हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो अब मैं भी ठीक हो गया हूँ, रिकवरी हो चुकी है तकरीबन। आज तो 11वां दिन है तो इंजरी का। तो दोस्तों, मैं बस घर पे ही होता हूँ आजकल, बस दिन भर देखता रहता हूँ। यहाँ पर नेशनल हाईवे 244 का काम लगा हुआ है, बस यही चीज़ें देखता हूँ। और आज मौसम भी ठंडा था, देख सकते हो आप बादल ऊपर, तो मौसम भी ठंडा था, धूप निकल रही थी बीच में, कभी जा रही थी, तो बस कभी मैं अंदर बैठता था कभी बाहर। तो दिन तो बस ऐसे मैं अपना टाइम पास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हो आप जेसीबी एक्सकवेटर, इसके ऑपरेटर वगैरह हमारे घर पे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास ही रुकते हैं। ये एक डंपर ने रिवर्स करते करते इसकी बैक में मारा, तो जिस कारण इसका हाइड्रोलिक जो भी ऑयल होता है वो सारा लीक हो गया है। आप देख सकते हो नीचे, ये रहा इसका ऑयल, ये तकरीबन सारा लीक हो चुका है। तो जल्द से जल्द उतर के बंद कर दिया, लेकिन जितना लीक होना था वो लीक हो गया। तो मशीन यहाँ जहाँ पर खड़ी है वहीं पर रह गई। तो ये भी बेचारे अब दिन भर ऐसे ही बैठे हुए थे, काम शाम तो कुछ उसके बाद किया नहीं। तो ये रही जेसीबी एक्सकवेटर, मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाता हूँ कि क्या चीज़ टूटी है इसकी। ये पूरा चेंज होना है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मेरी बाइक भी है और स्कूटी भी, और साथ में है हिमालयन बाइक। आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड की बाइक है ये, तो मेरा फ्रेंड यहाँ पर आया हुआ है। ये देखिए कितनी ऊंची होती है, तो काफ़ी मज़ेदार, ऐसे लगता है जैसे कोई जहाज़ चला रहा हो, बिल्कुल बहुत ऊंची है ये बाइक। तो मज़ा आता है इसको ड्राइव करने में, राइड करने में। ठीक है दोस्तों, और हम भी साथ साथ में रोड के साथ साथ में लेवलिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हो हमने लेवल किया हुआ है, क्योंकि रोड काफ़ी नीचे बैठा रहे हैं ये सब, तो हम भी साथ साथ में लेवलिंग कर रहे हैं इनके साथ में। तो दोस्तों, सामने से आ रही है कैटरपिलर, ये लेवलिंग करने के काम आती है। ये देख सकते हो आप कैटरपिलर, तो बढ़िया से लेवलिंग करते हैं हाई करते हुए। देख सकते हो रूवीज भाई भी इसमें बैठे हुए हैं, तो कहीं आगे जा रही है गाड़ी। तो काफ़ी सारी मशीनें आ चुकी हैं आजकल के दौर में। पहले तो रोड बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए, बस खुद ही हाथ से कटाई करते थे, मतलब कोई मशीनों का यूज़ नहीं होता था, तो काफ़ी बहुत ही मुश्किल आती थी रोड बनाने में। लेकिन आज तो बहुत सारी मशीनें आ चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं, हर एक काम के लिए मशीन है। हाँ, सिर्फ इंसान की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए। तो ये देख सकते हो आप, कैटरपिलर तो ये करती है रोड की लेवलिंग। तो दोस्तों, ये देखिए लेवलिंग हो रही है अब, जितना भी जो बीच का मटेरियल ऊपर था वो सारा प्लान करेगी अभी ये। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, ये देखिए एकदम से साफ बिल्कुल आपको दिखाते हैं। ये रहा जो इसे साफ किया हुआ है मटेरियल, तो ये बस आगे आगे चलती जा रही है, तो लेवलिंग करते जा रही है। तो दोस्तों, ये देखिए नीदू जा रही है कहीं रिंकू भैया के साथ, और रिंकू भैया देखो ये क्या कर रहे हैं, इसको बांध के रख रहे हैं ताकि कहीं गिरे। तो ये डोडा जा रही है अभी, डोडा तो नहीं जा रही, बस आगे तक जा रही है ऐसे घूमने। ये देखिए,
तो दोस्तों पिकू लगा रही है चप्पल, देख सकते हो आप, तो इसे लगी नहीं रही है क्योंकि ये सॉक्स लगे हुए हैं तो चप्पल कहाँ से लगी, और इसके पैर भी बड़े हो गए हैं तो चप्पल छोटी पड़ रही है। पिको नहीं लगेगी पुत्र, नहीं लगेगी, रहने दो, अंदर चलते हैं, अंदर ले जाते हैं आपको। तो पिको को मैं अंदर ले जाता हूँ पहले, क्योंकि अब बाहर मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है दोस्तों। पिको नहीं लगेगी, नहीं लगनी है दोस्तों। ये देखिए पिकू का डांस, पिकू का नाच रही है, स्लो मोशन में डांस कर रही है पिकू, देख सकते हो आप, पूरा भजन सुन रही है फिर नाच रही है। वो देखिए तो दोस्तों मैं और पिको बैठ चुके हैं, अब हम थोड़ा कार्टून देखेंगे। ठीक है पिको, कार्टून देखना है, एप्पल वगैरह, तो इसे काफ़ी पसंद है कार्टून, और एबीसीडी बढ़ती रहती है ये। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय पिको, बाय कीजिए।